हे गाइस, तो वेलकम टू माय सिंह चैनल। तो गाइस, बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है आफ्टर मनी इन द बैंक। ड्रू मैटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उन्होंने एडम पियर्स को भी मतलब पीट डाला बीच में। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे जॉन सीना ये कहा है कि वो वर्ल्ड टाइटल के लिए जा सकते हैं। रेसलमेनिया 41 में उनका लास्ट मैच होगा एंड 30 से आई थिंक 40 डेज का शेड्यूल होगा। एंड गाइस, हमारे ब्लड लाइन का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस एक वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी अपडेट डब्ल्यू के रिलेटेड मेरे चैनल पे मिस ना कर सको। तो फर्स्ट अपडेट जी वो जी जॉन्स, तो गाइस जॉन सीना ने ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है रेसलमेनिया 41 के लिए। उनका लास्ट मैच होगा, बिकॉज ऑफ रीजन रेसलमेनिया 41 इज द लास्ट मैच एंड वो बिजी हैं हॉलीवुड के लिए एंड बार बार आ नहीं सकते। उनकी बॉडी भी आपको पता है बंप नहीं सहन कर सकती इतना, तो इसके लिए उन्होंने भी कंफर्म कर दिया रेसलमेनिया 41 इज द लास्ट मैच टू परफॉर्म माय करियर एंड मैं उस टाइम पे रिटायर हो जाऊंगा रेसलमेनिया 41 में। एंड उसके बाद आएंगे आई थिंक, बट रेसल नहीं करेंगे, हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ रीजन उनको करियर बहुत बड़ा हो चुका है गाइज, बहुत लंबा करियर हो चुका है जिसको अब एंड तो होना ही है एक जगह पे आके। तो गाइज ये माना जा रहा है कि ये चीज़ होगी। एंड गाइज रेसलमेनिया 41 में उन्होंने कहा कि 30 to 40 डे शेड्यूल मैं लेके चलूँगा, 30 से 40 मतलब ऐसे दिनों के जहाँ पर मैं कन्फर्म है कि मैं आ सकता हूँ डब्ल्यू रिंग में। तो ये चीज़ उन्होंने कह दी है, कंफर्म कर दी है। एंड्रॉयड नाउ रेसलमेनिया 41 में रिटायरमेंट मैच होगा, क्या वो वर्ल्ड टाइटल बनेंगे, वो वर्ल्ड टाइटल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो ये भी मैटर कर रहा है। एंड इस पर सीएम पंग ने रिएक्ट किया है कि मैं चाहता हूँ मैं रिटायर करूँ, रैंडी ऑर्टर के साथ उनकी फ्यूड होनी चाहिए, मुझे तो लग रहा है लास्ट में रैंडी ऑर्टर के साथ दें वो, ताकि वो रैंडी ऑर्टर वर्सेस जॉन सीना इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर रेसलमेनिया 41। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है गाइस बैड ब्लड से। तो बैड ब्लड पे पर व्यू कन्फर्म हो चुका है, समर स्लैम के बाद यही होगा एंड दैट इज़ कन्फर्म। एंड ये एक रैपर के साथ कन्फर्म किया, कोडी रोड्स का एक परफेक्ट टेप्ड प्रोमो था, सेगमेंट था जिसमें ये कन्फर्म किया गया। एंड भाई साहब, मुझे लग रहा है कि बैड ब्लड में सीएम पंक एंड ड्रू मैकइंटायर का मैच हो सकता है। एंड राइट नाउ बैड ब्लड इज़ अ मोस्ट डोमिनेट आई थिंक पे पर व्यू एवर, क्योंकि उसमें ब्लड हो सकती है बात। तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी गाइस ड्रू मैकइंटायर से। ड्रू मैकइंटायर ने भाई साहब एडम पियर्स को भी धक्का दे दिया, तोड़ के रख दिया ड्रू मैकइंटायर ने। एंड उन्होंने कहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, आई वांट अपॉर्चुनिटी, मेरे पे उसने किया है, मुझे चाहिए अपॉर्चुनिटी। एंड गाइस राइट नाउ सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर इज वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट मेकिंग बाय मनी इन द बैंक। एंड भाई साहब कैश इन भी किया लेकिन फेल भी हो गया, तो ये चीज़ मानी जा रही है कि सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर ये नेक्स्ट लेवल फ्यूड है यार। सेथ रॉलिंस भी बीच में आएंगे, डेमियन प्रीस्ट क्या पता उन्हें कहें कि तू जजमेंट डे ज्वाइन कर ले भाई सीएम पंक को। एंड सीएम पंक ने तो हेल्प की है जजमेंट डे के डेमियन प्रीस्ट की। एंड गाइस ये चीज़ सारी कनेक्ट होकर रेसलमेनिया तक जाएंगी और सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर कन्फर्म है। सीएम पंक जैसे ही होते हैं क्लियर इनका मैच तो मान के चलो होगा। एंड गाइस एक वीडियो आई है जिसमें देखा जा रहा है कि ड्रू मैकइंटायर कि जब अटैक किया सीएम पंक ने तो रिंग के नीचे थे, नीचे से रिंग के आए और अटैक कर दिया, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया ड्रू मैकइंटायर को। एंड भाई साहब जो बेस्ट वे से था ना, ये कहते हैं कैश इन हुआ सबसे फास्ट लेकिन फेल हो गया, और ड्रू मैकइंटायर की फिर से इज्जत प्लीद होगी। ड्रू मैकइंटायर को फिर से मतलब वो कहते हैं ना ये प्लीद कर दी इज्जत, फिर से उनको मतलब पनौती लग गई उन पर, और सीएम पंक उनके करियर पर सबसे बड़ी पनौती लगा रहे हैं, ड्रू मैकइंटायर उनकी लगा रहे हैं वाट और वो सीएम पंक की वाट लगा रहे हैं, तो ये चीज़ है यार। बाकी देखो गाइस नेक्स्ट ब्लड लाइन का मैच हो सकता है समर स्लैम के लिए, बिकॉज ऑफ रीज़न समर स्लैम में हमारे मैच करेंगे सोलो स्क्वा वर्सेस कोडी रोड्स, क्योंकि आई पिन कर दिया कोडी रोड्स ने। स्टोरी लाइन के मुताबिक समर स्लैम में कोडी वर्सेस हमारे सोलो हो सकते हैं, सोलो इज़ द कन्फर्म टू बिल्ड कोडी रोड्स एंड दैट इज़ वन ऑफ द परफेक्ट मैच फॉर समर स्लैम। और समर स्लैम में अगर कॉस्ट करवा दे रोमन रेंज आगे तो भाई साहब सोने पे सुहागा। तो ये चीज़ है गाइस, ये अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।